अंधी भी है और गूंगी भी है और सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि इतना सस्ता मजदूर बिना बोलने वाला बिना कहने वाला कहीं मिलेगा ही नहीं। मिलता तो शायद किसी और से काम करा लेते, आंगनवाड़ियों से ना कराते। उसके बाद रही बात, आंगनवाड़ी चोर है, काम नहीं करती, ये हमारा स्टाफ भी कहता है और डीएम भी कहता है। हमारे जिले का डीएम अक्सर जब मीटिंग लेगा तो यही कहेगा कि तुम लोगों जितना मक्कार और तुम लोगों जितना काम चोर कोई नहीं होगा। फिर भी काम किसको दिया? बीएलओ का काम, जिसको भारत सरकार बहुत अच्छा कराना चाहती है, और वही काम काम चोरों को दे दिया गया। काम चोर को दे दिया और उसमें भी इतना चोरी करने के बावजूद भी भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे कौन सरकार आई जो अपने को बहुत ईमानदार कहती थी? आंगनवाड़ियों ने उम्मीद करके उसी सरकार का झंडा लहराया, क्योंकि आंगनवाड़ी चोर है तो चोरों की सरकार लेके आई थी। 3000 रुपए दिए, उसमें भी गरीब हो गई। किसानों का ऋण माफ कर दिया, उससे भी ज्यादा गरीब हो गई। अब रही बात, तो हमारी यूपी में कहने लगी कि सपा सरकार चोर है, चोरों की सरकार है। तो हमने सोचा कि चलो चोरों की सरकार को यहाँ से भी भगाते हैं, और बीएलओ का काम शुरू किया हम लोगों ने, तो सोचा ईमानदार सरकार बन जाए। वहां भी ईमानदारों की सरकार बना दी, तो जैसे ही आ गई सरकार वहां भी कंगाल हो गई। किसके लिए? कितनी भी सरकारें आती है, सिर्फ आंगनवाड़ियों के लिए कंगाल है। किसी भी सरकार किसी के लिए भी कंगाल नहीं है, अगर कंगाल कहीं है तो आंगनवाड़ी के लिए कंगाल है। और उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की है। कहे कि जनगणना का काम हुआ, 4 बहनों ने कहा हम काम नहीं लेंगे, सरकार हमें देती क्या है, तो 4 चली गई, भैया हमें दे दो क्योंकि केंद्र पे नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठ के काम हमारे बाल बच्चे हैं जो वो कर देंगे, हमको केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। अरे कम से कम ये सोचो कि वो तुम्हारे बच्चे, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको काहे इस काम में जुटाए रखते हो? 3000 में तुम ही जूझो ना, उनको काहे को लिए। तो हमारा कहना एक ही है कि अब की बार 2019 में सरकार ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारी दोबारा से सरकार आएगी, और काम कौन कराएगा? आंगनवाड़ी बहनों, हमें उसी समय एक काम निर्णय लेना है। उसी दिन जिस दिन हमारी एसडीएम और डीएम मीटिंग लेगा, उसी दिन कह देना कि ये बस्ता लो और जो 50,000 कमाता उससे काम करा लो अपना। और ये एक जगह नहीं, पूरे भारत में होना चाहिए, तभी हमारा हित हो सकता है। अन्यथा इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, यहाँ आके कोस के सरकार को चले जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात सुन रहे हो, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जगह जाते हैं, हम लोग तो नहीं जा पाते हैं, तो हमारी बहनों से अनुरोध करें कि वो बीएलओ के काम का बहिष्कार करें। अब बात आई हमारी यूपी सरकार में, अगर 4 नवंबर तक हमारी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है भजन दिवस। और वो भजन दिवस हम हर जिले पे बैठ के उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का जो हमारे बीजेपी सरकार का सहयोग करती है, उनका सबका मिलके करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी कुपोषित है, पहले इनका पोषण अगर नहीं कर सकती सरकार, तो हम सरकार के कोई भी काम नहीं करेंगे। उनको कह देंगे कि आप जाइए 3000 में जहाँ कर्मचारी आपको काम करने वाला मिल जाए उसको लेके आइए और काम करा लीजिए। हमें किसी संगठन से और किसी उसकी बुराई से मतलब नहीं है, हमें हमारे अधिकारों की और कामों की जरूरत है, वो पहचानिए। व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन करते किसी को कुछ नहीं है। कहते एक बार हमने लिख दिया था उसमें कि एक लोगों ने लिखा कि इतना चंदा आता उतना जाता और उतना होता इतना करता, जो करता है वही जानता होगा मेहनत। यहाँ ये मंच लगा फ्री में नहीं लगा, यहाँ ये खर्चे आ रहे फ्री में नहीं आ रहे, आप लोग अपने घर से आइयो फ्री में नहीं आइयो,
खर्चे कहीं ना कहीं होते रहते हैं, इसका किसी को अधिकार नहीं है कि ये पूछे कि कहाँ कितना खर्च हुआ, क्योंकि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हम आपको सामने से दिखा देते हैं, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हम सामने से नहीं दिखा सकते। इसका विरोध नहीं, विरोध उन बातों का करो जो हकीकत में करना चाहिए। एक आंगनवाड़ी ही आंगनवाड़ी की टांग खींचने में लगी है, इसीलिए आज हम लोग इस तरीके से इधर उधर बैठते भूलते भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे? अरे संगठन किसी का भी है, हमारी बात हमारे हित की हो रही है, हम अपने संगठन से जुड़े रहेंगे, जब हमें जरूरत पड़ती तो संगठन का हम साथ दे देते। इसमें बुराई कौन सी है? तुम अपने गुरुजी को पकड़े बैठे हो, अपने गुरुजी को पकड़े रहो, लेकिन लड़ाई तो हमारे हक की लड़ी जा रही है। जिस दिन हमें जरूरत पड़ती है हम उनका सहयोग कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अपने गुरुजी के फिर पैर दबा के रोज बैठ के, कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन ये बातें अच्छी नहीं होती, किसी के मन से कहो, किसी के व्हाट्सएप पे कहो, किसी को गालियां दो, किसी के लिए बुराई करो, ये अच्छी बात नहीं। और हम बहनों इतना ही कहेंगे कि आगे भी लड़ने के लिए एकजुटता की बहुत जरूरत है। सरकार को भी दिखाना है कि बीएलओ को काम आंगनवाड़ी कितना अच्छा करती है। पहले वोटिंग होती थी तो 20% और 25% से ऊपर नहीं जाती थी कभी, और जिस दिन से आंगनवाड़ियों ने बीएलओ का काम शुरू किया बहन जी, 85% काम हुआ, 85% वोट पड़ा। और सरकार कहती है कि ये चोरों की फौज है, ये चोर इतना अच्छा काम करती है, फिर भी सरकार के कान से जू नहीं रेंगती है। क्यों नहीं रेंगती है? क्योंकि हम चोरों का ही साथ दे देते हैं कि यहाँ से भागे और देखा कि वो शायद बहुत अच्छा काम कर लेते, उनके साथ चले गए। और यही हम लोगों ने किया, शायद 800 रुपए अखिले सरकार ने दिए थे, अच्छे ही दिए थे, और अड़के बैठ जाते तो 8,000 मिल जाते। और आज भी अगर उसी का साथ दे देते तो दोबारा शायद मेहरबान हो जाती। ये सरकार चोरों की सरकार से तो आए दिन परेशान ही है और कुछ नहीं है। कहीं पजीरी कम मिली, कहीं ज्यादा मिली, कहीं बिक गई, कहीं खत्म हो गई, कहीं बच्चों तक नहीं पहुंची और चोर आंगनवाड़ी हो गई। और हमारे यहाँ तो ये तक कह दिया जाता है कि 200 रुपए दो, काहे कि बीजेपी सरकार के मुआइंदे रोज ना रोज कोई ना कोई जिले में पहुंच जाता है, उसका खाना खर्चा चाहिए, उसका फलाना चाहिए, उसका ढिमाका चाहिए, और सब बहनों 200 रुपए दीजिए। ये डीपीओ सीडीपीओ और सुपरवाइजरें कहती हैं, और जिला का वो जिलाधिकारी ये कहते हैं कि ये बहुत आजकल धरना देने लगी हैं, इनको यहाँ बिठाओ एक दिन और सारी सारी सेवाएं समाप्त कर दो, अपने अपने घर बैठ जाएंगी। हमने कहा डीएम साहब से कह दो जाके कि जिस दिन सेवा समाप्त करे उस दिन वो भी होशियार हो जाए, इस कार्यालय में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहनों लड़ने के लिए एकजुटता बनाना बहुत जरूरी है। काम वो करो जिसमें सफलता मिले, ऐसे काम करने से कुछ नहीं है कि चार घर में बैठ के अपने जिस जिले से जिस ब्लॉक से आप जुड़ी हो, कम से कम उन बहनों से कहो आप किसी भी गुरु से जुड़ी रहो, किसी भी खुद से जुड़ी रहो, लेकिन जिस काम का बहिष्कार करना है वो मिलके सब लोग करो। हम अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देते हैं, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, एक है। आवाज दो, एक है। बताओ आता हमारे मंजा सिंह, हमारे भाई सुलेमान, हमारी बहन मैं इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और बहनों सरकार बहुत कुछ कहती है, सबसे पहले तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हम कहते हैं क्या आंगनवाड़ी बेटियां नहीं है सरकार की? बेटी पढ़े भी तो कैसे पढ़े, क्या भूखों पेट पढ़ सकती है? बेटी ही के लिए अगर सोचना है तो सरकार को सोचना बड़े गौर से और ईमानदारी से सोचना चाहिए
कि बेटी के लिए सरकार ने किया ही क्या है, क्योंकि शायद इससे पहले 2001 से पहले पोलियो का काम टीचर स्टाफ करता था, और जब टीचर स्टाफ करता था तो बच्चे कितने पिलाए जाते थे, पूरे गांव में 400 बच्चे नहीं होते थे और पेपर में 400 बच्चों ने पोलियो पिया। ये फर्जी आंकड़ा नहीं था सरकार का, ये ओरिजिनल आंकड़ा था। और जिस दिन से हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने काम किया, हमारी 1000 की जनसंख्या में ओरिजिनल बच्चे जितने निकले,